नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 15 अगस्त को सरकार डाकघर बचत योजनाओं को IPPB लिमिटेड को सौंपने जा रही है। सरकार के इस फैसले के विरोध में नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज के प्रधान नरेश गुप्ता ने सरकार के फैसले को जनता के साथ धोखा बताया। इस मौके पर उन्होंने 4 तारीख को लंच टाइम में डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा GPO के सामने प्रदर्शन करने की बात कही। वहीं उन्होंने 10 तारीख को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल व GPO से सदर बाजार पोस्ट ऑफिस तक रैली निकाल लोगों को जागरूक करने का ऐलान किया। वर्तमान में जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो किस तरीके से जितने भी सरकारी दायरे हैं वो कहीं ना कहीं उनको कॉर्पोरेटाइज प्राइवेटाइज करने की तरफ आगे बढ़ी हुई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने डाक विभाग जो देश आज़ादी से लेके मोर देन 100 ईयर से ऊपर काम कर रहा है और इसमें जो हमारी समाज सेविंग की स्कीमें हैं जो RD, SB, TD उन सबको जो हमारा रिसेंटली 2018 में 1 अक्टूबर 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड एक सरकार द्वारा खोला गया था, उसमें जो है POSB की स्कीम जो है ट्रांसफ़र करने जा रही है। उस बैंक का इतिहास क्या है, वो 2018 में बैंक का इनोग्रेट हुआ था और 3 साल की जो बैलेंस शीट उसकी जारी हुई 2021 की, उसमें जो है वो बैंक 821 करोड़ रुपए घाटे में है और उस बैंक की को जो बिल्डिंग मिली हुई है, पानी बिजली जो सब सुविधाएं हैं वो डाक विभाग द्वारा वहन की जाती हैं। सिर्फ उनके पास स्टाफ जो है अपना 20% है। जब सारी सुविधाएं डाक विभाग से प्राप्त करने के बाद वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो आज सरकार एक डिसीजन लेने जा रही है 15 अगस्त को कि जितनी भी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स हैं वो सारी जो है IPPP में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। वर्तमान में जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के टोटल थ्रू आउट इंडिया उसके जो है 29 करोड़ से ऊपर 30 करोड़ के करीब जो है डिपॉजिटर्स हैं, नागरिक उससे जुड़े हुए हैं और जिसमें जो है लगभग उन्हीं नागरिकों का 10 लाख करोड़ से ऊपर जो है डाक विभाग में उनका पैसा जमा हुआ पड़ा है। वो इसी वजह से संभव हुआ क्योंकि आप सभी जानते हैं डाक विभाग की एक क्रेडिबिलिटी है, ईमानदारी, सिंसरिटी, क्योंकि देश आज़ादी से पहले से ये डाक विभाग जो है काम कर रहा है। आप अभी भी अनुभव करते होंगे कि डाक विभाग में हर छोटा नागरिक वो डाक खाने में आना पसंद करता है, ना कि बैंक में, क्योंकि बैंक में वो समझता है कि जो बैंक है वो हाई फाई है, वहाँ आपने देखा होगा नई रूल रेगुलेशन है, मिनिमम बैलेंस की 5,000 रुपये, लेकिन डाक विभाग में कोई नहीं। और डाक विभाग जो है उसकी जो ब्रांचेज हैं वो हर ग्रामीण एरिया तक जो है सिचुएटेड है। तो वर्तमान में जो IPPB बैंक है उसने जो जब शुरू हुआ था तो 4% जो है ब्याज दर देने की शुरुआत की थी, लेकिन आज उसकी स्थिति यह है कि जुलाई का जो 2022 का जो उसने इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया उसकी जो लिमिट है 2 लाख से ऊपर आप जमा नहीं कर सकते, 1 लाख रुपए तक की जो डिपॉजिट रहेगी उस पर 2% और 1 लाख से 2 लाख रुपए के ऊपर रहेगी उसके ऊपर 2.25% मिलेगा। जबकि डाक विभाग में जो स्मॉल सेविंग जो छोटी बचत योजनाएं चल रही हैं उसमें सेविंग बैंक पे भी डाक विभाग जो है 4% की ब्याज दर अपने नागरिकों को बिना किसी लिमिट के जो है दे रहा है। तो हम समझ सकते हैं यदि ये स्कीम्स इतना नागरिकों का पैसा IPPB में चला गया तो हम सोच सकते हैं जो अपनी जो स्कीम्स हैं उस पर ब्याज दर नहीं दे पा रहे तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही है उन पर जो है ब्याज दर वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो ये सरकार का जो ये डिसीजन है आप ये ना केवल कर्मचारियों के तो हितों के खिलाफ है ही है, लेकिन जो देश भर के आम नागरिक हैं जो आज बहुत से लोग जो है हमारे सीनियर सिटीजन वो अपनी पूंजी जो रिटायरमेंट पे होती है वो डाक विभाग में जमा कराते हैं, उससे जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो डे टू डे जो अपने जीवन यापन है उससे करते हैं। यदि वो सारा पैसा IPPB में ट्रांसफ़र हो जाएगा और IPPB ब्याज दरें वो नहीं दे पाएगा तो हमारे साथ साथ जो हमारे देश भर के आम नागरिक हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों आपने सुना होगा यदि कोई बैंक लिक्विडेट होता है तो पहले उसकी सीमा थी कि प्रति कस्टमर जो है 1 लाख रुपए का उसे कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन जो पिछली साल उसे बढ़ा के बैंक्स के लिए 5 लाख कर दिया गया। लेकिन डाक विभाग में यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है, डाक विभाग में कोई ऐसा रूल नहीं है, यदि उसकी पासबुक पे डाक विभाग की एक स्टैंप लग गई और कितना भी पैसा विदाउट लिमिट के, तो डाक विभाग जो है उस पैसे को देने का उसका पूरा वादा उसका पूरा करता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास 10 लाख करोड़ रुपये जमा है वो इसी वजह से जमा है, हमारी एक साख बनी हुई है, डाक विभाग का अपना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लेकिन सरकार पता नहीं किन कारणों से
जो है ये सारा जो स्कीम्स है वो आईपीपीपी को सौंपने जा रही है। तो इन सब बातों को लेकर जो है हमने हमने जो है 10 तारीख को हड़ताल का आयोजन किया और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले 4 तारीख को जो है चीफ पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय के सामने हम धरना देंगे। पूरे सर्कल से लोग आएंगे 10 बजे से 1 बजे तक और 1 बजे के बाद वहाँ से एक रैली का आयोजन होगा जो रैली सर्कल ऑफिस चीफ पोस्टमास्टर जनरल के ऑफिस से चल के सदर बाजार जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ तक वो चलेगी ताकि हम जनता को अपने साथ साथ अब जनता को भी बता सके भी सरकार के जो डिसीजन है वो किस तरीके से है।